पूर्व सैनिक कल्याण समिति 23 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध दिवस की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाषा एवं संस्कृत भवन के सभागृह में राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह मनाया जाएगा। ये बात पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुबेदार प्रकाश चंद ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर का आयोजित समारोह में कारगिल हीरो एवं हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को सुबह 11 बजे युद्ध स्मारक बिलासपुर में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि व 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। ये युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं सर्वोच्च युद्ध पदकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है तथा कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश्वर गोयल, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एडीएम विनय धीमान, उपमंडलीय दंडाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार व सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस अत्री को बतौर वरिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बिलासपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में प्रदेश का पहला साइंस पार्क बनने जा रहा है, जिसका पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साइंस पार्क आधुनिक बनेगा। राज्य सरकार इस पर 75 लाख रुपए खर्च करेगी। इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आने वाले 18 स्कूलों के बच्चे इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं। जुखाला के प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी राकेश पाठक ने बताया कि इस पार्क में और भी नए नए मॉडल स्थापित किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आने वाले 18 स्कूलों के बच्चे इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिस पर सरकार 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पार्क को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र के प्रवेश द्वार को रंग सफेदी करके दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के जिला समन्वयक देशराज ने जिला के सभी स्कूल मुखियाओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने विद्यालय के बच्चों को इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को विज्ञान के प्रति और ज्यादा प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र में आने से पहले जिला समन्वयक से तिथि और समय जरूर ले, ताकि समय का पूर्ण सदुपयोग हो सके और राज्य परियोजना निदेशक के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडल पार्क में स्थापित विभिन्न मॉडल से बच्चे रूबरू हो सकेंगे और उनका ज्ञान और ज्यादा विकसित हो सकेगा। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में डायनेमिक इंडिया युवा मंडल द्वारा आयोजित हिमाचल उत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में जहां हिमाचली कलाकारों ने समा बांधा, वहीं दर्शकों ने भी संध्या का जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर समाज सेवी तरसेम भारती बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, वहीं बीरेंद्र सूद, वीणा बख्शी, डॉक्टर अनीता गौतम बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सुप्रसिद्ध हिमाचली कलाकारों इंदुबाला मुकुल, सुरेश वर्मा, लोक गायक राज शर्मा ने बेहतरीन गीत गाए और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं स्कूली छात्रों की नृत्य प्रतियोगिता में बीएल स्कूल गीता आदर्श विद्यालय सेंट ल्यूकस और साई इंटरनेशनल स्कूल ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि डायनेमिक इंडिया युवा मंडल उन उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करता है जो कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि कलाकार हिमाचल उत्सव में हिमाचल के कोने कोने से यहां आते हैं और अपनी कला का लोहा भी मनवाते हैं। वहीं स्कूलों की प्रतियोगिता
जहां विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करती है, वहीं उनमें आत्मविश्वास भी जगाती है, जो एक सराहनीय कदम है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में नंबरदारों के खाली पद जल्द भरे जाएं। खाली पदों की जानकारी के लिए तहसीलदारों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। उपायुक्त सभागार में हिमाचल प्रदेश राज्य नंबरदार जन कल्याण संघ की मंडी इकाई की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में नंबरदारों के खाली पड़े पद जल्द भरे जाएं। खाली पदों की जानकारी के लिए तहसीलदारों से रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। इस दौरान उन्होंने नंबरदारों की समस्याएं बड़े ध्यान से सुनी और उनकी मांगे जानी। अनेक समस्याओं का मौके पर समाधान किया व जिला प्रशासन के स्तर पर पूरा की जा सकने वाली सभी जायज मांगों को स्वीकृति देते हुए शेष को उपयुक्त मंच पर रखने का आश्वासन दिया। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अभी जिन नंबरदारों के आई कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें जल्द आई कार्ड दिए जाएं। इसके अतिरिक्त इंतकाल पंजीकरण शिनाख्त जैसे राजस्व मामलों के निपटारे में नंबरदारों की राय शुमारी को अधिमान दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये तय बनाया जाएगा कि संबंधित क्षेत्रों में जमीनी इंतकाल के लिए तय तारीख की सूचना नंबरदारों को भी दी जाए। इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय में जहां संभव हो पाएगा वहां उनके बैठने की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाएंगे। जिला राजस्व अधिकारी राजीव संख्यान ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। उन्होंने नंबरदारों से राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन बनाने को लेकर लोगों को जागरूक करने में सहयोग का आग्रह किया। संघ के प्रदेश संगठन महामंत्री भीम सिंह चौहान ने नंबरदारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त का आभार जताया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा, एसडीएम जोगिंदर नगर अमित मेहरा, एसडीएम बल डॉक्टर आशीष शर्मा, एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा, एसडीएम सरकाघाट बालकृष्ण, एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर, महासंघ के प्रदेश संगठन महामंत्री भीम सिंह चौहान, जिला प्रधान लेखराज शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान गोपाल सिंह, उप प्रधान सोहनलाल, कोषाध्यक्ष शोभराम, बल तहसील के संगठन प्रधान ईश्वरलाल टेकचंद सहित संघ के अन्य पदाधिकारी व सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।